साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला, असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से एक रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, मतलब 85% 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे एक रुपया जाता था 15 पैसा पहुंचता था, 85% गायब गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है, तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है, पूरा 100% राशन मिल रहा है। वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था, जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है।
बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। पूरे देश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। विजयपुरा के ही लगभग 3 लाख किसानों के बैंक खाते में लगभग 600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा कभी भी आप तक नहीं पहुंचता।